झांसी के मोठ ब्लॉक के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कोई भी विकास धरातल पर नहीं हुआ है। सभी विकास ग्राम पंचायत अधिकारी के कागजों में दम तोड़ रहे हैं, जिसमें सचिव ने करीब 2 करोड़ का गबन किया है और जमीनी स्तर पर विकास के दावे कुलांचे भर रहे हैं। मोठ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरथरी से दर्जनों लोग मोठ तहसील सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में लिखित शिकायत की पत्र एवं भ्रष्टाचार के दस्तावेजों को लेकर पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत अधिकारी पर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि धरातल पर कोई भी विकास नहीं हुआ। आरोप है कि एक्शन प्लान के तहत 2 करोड़ के आसपास गबन हो चुका है, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। 20 वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ, पुल निर्माण नहीं हुआ, शमशान घाट भी अधूरा है, सभी रास्ते गांव के जर्जर हैं, तालाब की दुर्दशा है। ग्रामीणों ने लिखित शिकायती पत्र देकर समस्याओं का समाधान एवं विकास के नाम पर हुई गबन की जांच कर सचिव पर कार्यवाही हो और ग्रामीणों को शासन के विकास की योजनाओं का लाभ मिले। जिलाधिकारी ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या होता है? प्रशासन का चाबुक प्रशासन के भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर चलता है या फिर यूं ही भ्रष्टाचार की दीमक बनकर शासन की योजनाओं को खोखला करते रहेंगे? शिकायतकर्ता अपने कंधे पर एक दिव्यांग को लेकर भी जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचा था, जहां उसका आरोप है कि दिव्यांग आवास उसे मिला था, जिसमें सचिव ने 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। जब देने में दिव्यांग विपिन कुमार ने असमर्थता जताई तो सचिव साहब ने दिव्यांग के आए हुए आवास में अपात्र दिखाकर नाम हटा दिया। दिव्यांग का कहना है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही हो। हम लोग सभी ग्रामवासी बरथरी पंचायत से आए हुए हैं और मामला ये है कि कोई भी कार्य धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है और जो सचिव महोदय हैं वो कोई भी कार्य धरातल पे नहीं है, जबकि एक्शन प्लान के तहत 2 करोड़ के लमसम गमन हो चुका है और अधिकारी न कोई सुनने के लिए तैयार है और न कुछ। मैं ये चाहता हूँ जाँच हो। हमारे यहाँ सड़क 20 साल से नहीं पड़ी है, ना तो कोई पुल निर्माण हुआ है, शमशान घाट भी अधूरा पड़ा है, सारे रास्ताएं जर्जर हुए हैं और तालाब की भी ऐसी ही दुर्दशा है। तो हम यही सरकार से दरख्वास्त देते हैं कि हम लोगों की सुनवाई करें और जांच के आदेश करें और दोषियों के साथ। डीएम साहब को आगे प्रार्थना दिया क्या आपने? अब डीएम साहब ने रख लिया, देखते हैं क्या होता है, प्रशासन का चाबुक किस पे चलता है, दोषियों पे कि निर्दोष पे। मुझे तो नहीं लगता है कि दोषियों को सजा मिले, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत हैं। तो पे आपने जो बैठे हैं इनका ये है हाल, इनको आवास मिला था विकलांग, दिव्यांग आवास दिया गया था, जिससे सचिव ने 20,000 रुपया मांगे थे, तो जब नहीं होने पर इसका आवास काट दिया गया है ऑनलाइन। क्या नाम इनका बताओ? हमारा नाम विपिन कुमार। विपिन कुमार, विपिन कुमार बर्तरी के रहने वाले हैं। सचिव कौन है? सचिव है शशिकांत यादव। पूरे गांव की जांच की जाए, महोदय जी से मेरी यही आग्रह है, प्रार्थना करता हूं एक बार जांच कर ली जाए। 2 करोड़ के लमसम गमन हुआ है और सारे काम धरातल पे नहीं है, कागज में पूरा पैसा निकाल लिया गया है।